बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक और नई मालूमाती वीडियो के साथ राणा काशिफ बर्ड फार्म की तरफ से राणा काशिफ हाजिर है। आज हम लोग पेयरिंग कर रहे हैं बर्ड्स के ऊपर, और हमारे यहाँ लोग भाग रहे हैं लव बर्ड से और हम लोग लव बर्ड को पेयरिंग करवा रहे हैं, क्योंकि लव बर्ड इस वक्त अपने सबसे कम रेट के ऊपर है। ये इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है। आप जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करेंगे, जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, इतना ज़्यादा आपको आउटपुट मिलेगा। तो बर्ड जब आपने बिल्कुल डिक्लाइन पर हो, कम रेट पर हो, तो उसको आप लें, उसको बिल्ड करवाएं। साल, दो साल, तीन साल लग सकते हैं। ये पहले मैं आपको बता दूं, अपने माइंड के अंदर चीज़ रख लें, एकदम से मार्केट चेंज होने वाली नहीं है। लेकिन इसी के दौरान जब आपकी ब्रीड बढ़ती जाएगी तो इंशाल्लाह ताला उसमें आपको बेनिफिट भी होगा। लेकिन कोशिश ये करें कि साफ़ सुथरा बर्ड ब्रीड करवाएं, और कहीं से अगर आप परचेज़ कर रहे हैं तो पेडिग्री वाला बर्ड परचेज़ करें, मेल फीमेल कंफर्म हो। ये ना हो कि आप लेने के बाद बैठे हैं और उसका आपको पता लगा कि साल के बाद ब्रीडिंग कोई नहीं आई, या वो दोनों मेल थे या दोनों फीमेल थी, या आपने किसी चीज़ के सेपरेट लिए थे तो सेपरेट नहीं थे कंफर्म। तो बर्ड जब भी आप खरीदें तो किसी अच्छे फार्मर से लें जो प्रॉपर DNA कराता हो। अब ये देखें कि 600 रुपये का DNA होता है। अब लोग ये कहते हैं कि आप हमें लबर जो है वो 500 रुपये का दे दें, तो भाई 600 रुपये का DNA हो रहा है, 500 का आप कैसे दे दें। तो हमारा जो बर्ड है वो हमारा जो DNA के साथ हम बर्ड देते हैं, तो कोई भी बर्ड कम से कम अगर फिशर भी होगा, वो ग्रीन फिशर हो, ठीक है, वो ब्लू फिशर हो, तो हम लोग जो है वो 1500 रुपये से कम बिल्कुल भी कोई भी बर्ड नहीं सेल करते, ठीक है जी। और यानी जो DNA के साथ है, और इसके अलावा जो ऑफलाइन के बर्ड हैं वो हम 20,000 से कम सेल नहीं करते। ऐसी बात है, आपने उसके ऊपर इतना पैसे लगा दिए, अब आप 2,000 रुपये से ज़्यादा उसको सेल करेंगे तो फ़ायदा कोई नहीं होगा। 2,000 रुपये से ऊपर ऑफलाइन का रेट नीचे बनता ही नहीं है किसी भी तरीके से। तो कम से कम अगर स्प्रिट है वो किसी चीज़ के तो 5,000 से ऊपर जाएगा। तो अब हम लोग कोशिश ये करते हैं कि किसी भी तरीके से DNA जो बर्ड है वो हम 2,000 से कम सेल नहीं करेंगे, और उससे फ़ायदा भी आपका होगा कि पूरे साल आपने दाना खिलाया, एक जो पेड़ है वो पूरे साल में 2,000 रुपये का दाना खा जाता है। तो 500-600 रुपये DNA के चक्कर में, दो DNA होंगे तो 1200 के होंगे, तो एक पेड़ के मतलब 1200 के चक्कर में आप पूरा साल ज़ाया कर देते हैं, उससे ज़्यादा वो खुराक खा जाता है। तो अब हम ये दिखा रहे हैं आपको अपने फार्म का। अभी ये देखें माशाल्लाह, ये पूरे का पूरा आपको मतलब है, ये राणा मैर साहब दिखाते हैं, ये कैमरे से मेरी वीडियो बना रहे हैं कि अब ये देखें माशाल्लाह, ये पेडिग्री बर्ड है। आपको ये सारे बर्ड्स का डाटा जो है नज़र आएगा, ठीक है, जिस पर एक एक बर्ड लिखा हुआ है कि किस बर्ड किस डेट को हमने इसको DNA भेजा, उसके माँ बाप क्या थे, बच्चा क्या था, और उसके DNA में उसका सेक्स क्या है, ये तमाम जो है ये आप लोग ये देख सकते हैं कि ये इस साल हमारी माशाल्लाह ब्रीड है। लोग दिखाते हैं ना कि इतने बर्ड, ये देखें आप माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं। वीडियो बड़ी हो जाएगी लेकिन थोड़ा सा चार्ट आपको दिखाएंगे। माशाल्लाह आप ये देखें, माशाल्लाह बोलते जाइएगा, ये देखें आप, ये आप देख सकते हैं, ये बर्ड इधर से ये देखें, ये इस बर्ड है, ये इस साल की जो हमारे बर्ड्स हैं ये उनकी सब की मैं आपको दिखा रहा हूँ कि उनके बर्ड्स के अंदर कौन कौन सी मतलब म्यूटेशन थी। ये हमारी इस साल की ब्रीड है। लोग दिखाते हैं जी 100 बच्चे लिए, 200 बच्चे लिए, माशाल्लाह आप ये ब्रीड देखें कि हमने साथ साथ इसको सेल भी किया, और एट द एंड आपको दिखाते हैं कि हमारी इस साल की ब्रीड जो है वो कितनी आई। आप ये देख सकते हैं, फोकस कर सकते हैं कि इस साल जो है वो हमने 425 से ज़्यादा जो है वो पीस ब्रीड करवाएँ, मतलब है कि हमारे पास इतनी सारी ब्रीड आई है। और ये एक तरफ ये है, और इसके अलावा भी दूसरे भी बर्ड हैं, उसको भी हम आपको दिखाएंगे कि ये पेडिग्री बर्ड्स होने चाहिए आपके पास भाई, अगर आप अच्छा अर्न करना चाहते हैं तो। अभी एक रिकार्ड ये मैंने आपको दिखाया, दूसरा आप ये रिकार्ड भी दे सकते हैं, और यहाँ आपको 1000 में बर्ड नज़र आएंगे। तो ये भी हमारी जो है DNA के बाद पेयरिंग हमने करवाई थी, तो ये वो थे फर्स्ट क्लास के जिसकी हमने पेयरिंग कर दी। 1000 से ज़्यादा बर्ड ये है, लेकिन टोटल हमने इस मरतबा 1500 से ज़्यादा जो है बर्ड ब्रीड करवाया, और उसमें हमारे पास बच्चे जो हैं वो तकरीबन जो है वो 3000 से ज़्यादा आए हैं, यानी बेचने के बाद तकरीबन 1500 बच्चे हमारे पास मौजूद हैं। तो अगर आपके पास पेडिग्री है, पेडिग्री बर्ड आप खरीदना चाहते हैं, तो उसका बेनिफिट भी आपको होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि पेडिग्री बर्ड ना हो और इसमें कोई झूठ भी नहीं है, खाली लिखा हो, ये देखें माशाल्लाह, माशाल्लाह देखें, ये थब्बे के थब्बे आपको नजर आएंगे, ये तमाम के तमाम जो है वो DNA कार्ड हैं, ठीक है जी। यहाँ ये DNA कार्ड पड़े हुए हैं, इधर देखें ये DNA कार्ड पड़े हुए हैं, इसके अलावा भी और बहुत से DNA कार्ड पड़े हुए हैं। तो ये सिर्फ इस साल के DNA कार्ड हैं। तो 3000 से ज़्यादा बच्चा हमारे पास मतलब है ब्रीड हुआ, और उसमें से 1500 से ज़्यादा हम बेच भी चुके हैं। 1500 हमने रोक लिया था मज़ीद अपने सेटअप को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मार्केट जो है वो दूसरे तीसरे क्लास पे नीचे आ रही थी, तो हमने उसे कम रेट पे बर्ड सेल नहीं किया। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।